हेलो, मेरा नाम है सरबजीत और आप सबका स्वागत है जी आपके अपने चैनल में। और जैसे कि आप समझ ही गए होंगे देख के कि मैं आज कोई प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो मैंने मंगवाया था। और मैं बताऊँगा, ये एक काइंड ऑफ स्टिकर है और इसको मैंने विंडो पे लगाने के लिए एक्चुअली लिया है। और एक्चुअली विंडो से लाइट बहुत आती थी तो मैंने सोचा कि चलो, एक तो ट्रांसपेरेंसी जो है विंडो का वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और जो डायरेक्ट लाइट नहीं आएगी। और कर्टन लगाने से अच्छा है चलो ये वाला काम बढ़िया, स्टिकर लगाओ सीधा विंडो वाला काम ख़त्म हो जाता है। ये तो है स्टिकर, चलो अभी विंडो पहले क्लीन करनी है तो ये तो कर रहे हैं क्लीन विंडो को। सबसे पहले अच्छे से क्लीन होगा ना तभी स्टिकर बढ़िया लगेगा। तो ये हो रही है अब एकदम मस्त तरीके से क्लीनिंग। ये पहले मैंने टेम्परेरी इस तरह फ्रूट वाला था एक पेपर, आप देख रहे होंगे। और ये देखिए हाथ हिलाते हुए सफाई कर्मचारी हमारे तो ये इस तरीके से मैंने डायरेक्ट लगाया था, एक पहले ही फ्रूट चाट था। ये देखते हैं, चलो मैं बाहर जाके दिखाऊं। ये देखो इस तरीके से हमने पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है पहले, तभी लगेगा स्टिकर बढ़िया तरीके से। भाविका, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है, पारी हो रही है, क्या हो रहा है भाविका? पारी हो रही है, दही पारी हो रही है। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? बाहर। पापा कहाँ है? पापा, ओ पापा, दे दो भाई बुक्स पढ़ाई करने को। हो गया क्लीन? तो शीट, ये दो शीट्स आई हैं इस साइज में तो मैंने थोड़ा सा एस्टिमेट लेके अभी मैं काट तो रही हूँ, देखते हैं बाकी किस तरीके से लगेगी ये। तो चलो पहले अभी हम दोनों शीट्स को एकदम बराबर साइज में ऐसे काट लेंगे और जो भी मार्जिन लें, एक्चुअली दोनों विंडो का साइज अलग अलग है। तो चलो अभी इसको फिनिश करते हैं फिर लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट वाली विंडो थोड़ी बड़ी है और राइट साइड वाली थोड़ी छोटी है विंडो। तो अभी हम देखते हैं, शुरू करते हैं लगाना और किस तरीके के लगेगा। इस तरीके से एक शीट है साइड से जो निकल रही है आप देख सकते हैं, और जो नीचे वाली शीट है वो डायरेक्ट आप पेस्ट करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से लग जाएगा। तो अभी हमारा प्लान है नीचे से लगाते जाएंगे ऊपर को, देखते हैं बाकी। तो ये है फाइनल लुक। और एक्चुअली हमसे थोड़े से बबल्स रह गए बीच में, एक्चुअली एट लास्ट हम इतना थक चुके थे ना, हमने बस सीधा पेस्ट किया। और जो कटिंग भी थोड़ी हमसे कम ज़्यादा हो गई थी एक साइड में, तो फिर हमने जैसा तैसा था वो लगा दिया। फिर दूसरी साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा रख के ही काटा, उसके बाद काटा हमने। एक्चुअली गलती मत करना, ये पहले कटिंग की, हमने लगाने के बाद फिर काटा तब सही से लग गया, बट ये जो बबल्स बन जाते हैं इसमें बाकी तो चलो ठीक है। अगर आपको भी पसंद आया ना गाइज, हमें ज़रूर कमेंट करके बताना।